तो दोस्तों ये जो रोड आप देख रहे हैं ये लड़ौली से होकर बिशनपुरा जाती है, तो बीच में पानी के कारण ये रोड टूट चुका है। कल ये रोड सही था, देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे सोचा जा रहा था कि तोड़ दिया जाए लेकिन अपने आप रोड कट गए हैं यहाँ से। ये होते हुए बिशनपुरा से होते हुए लड़ौली जाता है, देखिए ये सब कितना पानी है, यहाँ पर देखिए कितना पानी निकल रहा है। ये सब पूरा कल खाली था, देखिए अभी पहले से बरसात हुई थी तो पूरा भरा था, अब और इधर से पूरा पानी आ चुका है, पूरा भर गया है, देखिए आगे भी टूटा है सब रोड। कल हाई स्कूल आपको मैं दिखाया था, यहाँ पर हाई स्कूल हल्का पानी था, अभी देखिए पिछले वाले वीडियो में आपको हाई स्कूल दिखाया था, देखिए कितना था, अभी देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर भी कटा हुआ है। जाए लग नहीं खे यहाँ पे देखिए दो जगह रोड टूटा है यहाँ पे, तो देखिए ये कल आप पिछले वाले वीडियो में आपको दिखाया था कैसे यहाँ पे पानी था, और अभी देखिए कितना ज़्यादा पानी है। सामने मंदिर है वो भी डूब चुका है, और पीछे देखिए यहाँ पे रोड दो जगह टूट गया है, इतना पानी है, पूरा सीढ़ी तक पानी पहुंच चुका है। देखिए यही है मेरा हाई स्कूल जहां से मैं 10वीं पास किया था, पूरा अभी पूरा फील्ड में पानी लगा हुआ है। तो यही स्कूल को मैं कल आपको पिछले वाले वीडियो में दिखाया था कि पानी कितना था, और अब देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे पानी है, पूरा भरा हुआ है पानी। अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप ये चीज़ देखे होंगे वहाँ पे कितना, उस समय कितना कम पानी था, अभी देखिए कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पे, पूरा मंदिर तक पानी घुस चुका है वहाँ पे। देखिए लड़का सबका पूरा घुटने तक पानी है। देखिए अभी कैसा है इसका कंडीशन है, पूरा पानी भर चुका है और बढ़ते ही जा रहा है पानी, चारों तरफ पानी दिखाई देगा आपको। देखिए ये रोड है यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं ये सरकारी अस्पताल है। देखिए आगे भी पानी भरा हुआ है, यहाँ पे आगे पोखरा हुआ करता था जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा पानी से भरा है, उसके ऊपर से पानी निकल रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए मछली मारने का तैयारी किया जा रहा है, कैसे मछली फंसाया जाए, ये है पोखरा, आगे पूरा भर चुका है, यहाँ पे देखिए कितना तेज़ी से पानी निकल रहा है, तो सब पानी खेतों में जा रहा है, सब पूरा फसल है, सब बर्बाद हो जाएगा। तो यही पोखरा का मैं बात कर रहा था, देखिए पूरा भर चुका है, यहाँ पे लोगों की बहुत परेशानी है, लोगों को
जाने आने में। अब रोड टूट गया है तो लोग इस पार से उस पार कैसे जाएंगे। देखिए बाढ़ से कितना दिक्कत है लोगों को। ये रोड है जो बिशनपुरा शेर होके जाता है।